हेलो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि फिल्म आदिपुरुष से रिलेटेड है। आदिपुरुष फिल्म जिसे कल रिलीज किया जाना था उसे कल रिलीज नहीं किया जाएगा, सिर्फ आईमैक्स 3D सिनेमा में उसे कल रिलीज नहीं किया जाएगा, बाकी सभी में रिलीज होगी जैसे कि 2D या नॉर्मल व्यूज इसमें रिलीज होगी, लेकिन सिर्फ आईमैक्स 3D में रिलीज नहीं होगी। आईमैक्स 3D में इसे क्यों नहीं रिलीज किया जा रहा वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम लोग इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दो, नहीं तो तुमको प्लास्टिक के कीड़े पड़ेंगे। भाई कोई मेरी वीडियो को लाइक ही नहीं करता, मैं कितनी सारी वीडियो डालता हूँ, व्यूज बहुत अच्छे खासे आते लेकिन उस पर लाइक्स बहुत ही कम आते, तो तुम लोग यार लाइक जरूर करना। इस फिल्म को आईमैक्स की स्क्रीनें नहीं मिल पा रही क्योंकि इसका एक ही कारण है, अमेरिका का वो भगोड़ा द फ्लैश, उसने पहले से ही सभी स्क्रीनें बुक कर रखी आईमैक्स 3D इंडिया के अंदर। द फ्लैश ने आईमैक्स 3D की सभी स्क्रीनें बुक कर ली है इंडिया भर में, वही आदिपुरुष ने भी इंडिया भर की सभी 3D स्क्रीनों को बुक कर लिया, जिससे कि द फ्लैश को 3D स्क्रीनें नहीं मिल पाएगी इंडिया के अंदर और आदिपुरुष को आईमैक्स 3D की स्क्रीनें नहीं मिल पाएंगी। इन दोनों फिल्मों ने इंडिया के अंदर जो छींछाकत मचाई इसमें किसका बेनिफिट होगा, मतलब कि द फ्लैश का होगा या फिर आदिपुरुष का होगा, इसका बहुत ही जल्द पता चल जाएगा, बस फिल्म को रिलीज होने दो। अब अगर तुम लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर देना और चैनल पर पहली बार आ जाओ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना, क्योंकि जैसे इस मूवी की कोई भी नई अपडेट आती है तो आपको हमारे चैनल पर बहुत ही पहले मिल जाएगी, मतलब सबसे पहले ही मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।